हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुरप्रीत सिंह फ्रॉम विदागु स्टडी अब्रॉड। कैनेडा पीपीआर टाइमलाइन, कैनेडा प्रोसेसिंग टाइम और आईआरसीसी से जो न्यू अपडेट्स आ रहे हैं उस पे ये वीडियो बेस्ड है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते, कोई भी आपने वीज़ा अप्लाई किया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि एक मोटिवेशन बने रहे। तो फिर कम टू द पॉइंट, स्टूडेंट वीज़ा पर सबसे पहले हम बात करेंगे। जो जनवरी से लेके 20 मई तक के रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। मार्च और अप्रैल की जो फाइल फ्रेंड स्किप हुई थी उनके अब रिजल्ट्स दोबारा आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि सितंबर इनटेक बहुत क्लोज आ गया है। अगर हम बात करें जून वालों की, तो वो कवर होने के काफ़ी चांसेस हैं कि आईआरसीसी सीक्वेंस के वाइज जो जून की लॉजमेंट्स हैं उनको रिजल्ट्स दे पाएगी। जुलाई और अगस्त वाले स्टूडेंट्स हैं वो अभी थोड़ा टेंशन में है कि सर हमारा क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, क्योंकि आईआरसीसी ने जो एक टास्क फोर्स बनाई थी 500 एम्प्लॉइज़ की, वीज़ा ऑफिसर्स की, तो वो रेंडमली फाइल्स पिक कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा लास्ट 6 मंथ से। सो अभी क्या है कि जैसे जुलाई और अगस्त की अगर जो क्रीम प्रोफाइल्स हैं, अच्छी प्रोफाइल्स हैं, वो जो टास्क फोर्स है वो पिक कर सकती है। और आप देखोगे कि जुलाई और अगस्त सीक्वेंस वाइज तो मुश्किल है स्टार्ट होना, लेकिन हाँ, आपको एक होप जरूर बनी रहेगी कि आपका वीज़ा कभी भी आ सकता है फ्रेंड्स। साथ के साथ कि आपको डेफरमेंट का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जेन इनटेक ऑलमोस्ट बिल्कुल फुल होने की कगार पे है। सो न्यू क्लाइंट्स, न्यू स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड वाले। सो मेन टेक है वो शॉर्ट है ऑलरेडी, और सितंबर बहुत दूर चला जाएगा, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, आपको लगता है कि कोई प्रोफाइल में कमी नहीं थी, फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम सब सही लगा है, सो आपका कॉलेज रेलिवेंट, कोर्स रेलिवेंट था, कॉलेज बहुत अच्छा था, सो आप वेट कर सकते हैं अगर आपकी जुलाई और अगस्त की लॉजमेंट है। तो फ्रेंड्स, देन हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा वालों की। बहुत ही गुड न्यूज़ टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा वालों के लिए है कि अभी मैंने देखा है कि 10-10, 15-15 दिन में रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओनली आपकी 1-2-3 साल की ITR होनी चाहिए, CA रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, तो आपका वीज़ा आपको जल्दी मिलने के चांसेस हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी प्रॉपर फाइलिंग की हो, स्ट्रॉन्ग फाइलिंग की हो, तो ही आपका टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा आएगा। इसमें 6 मंथ भी लग रहे हैं कई फाइल्स को, लेकिन मार्केट में 10-10, 15-15 दिन बाद भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो देन फ्रेंड्स, स्पाउस वीज़ा की बात करनी बहुत जरूरी। स्पाउस वीज़ा का मैंने देखा है कि जो लास्ट ईयर के केसेस हैं वो अभी उतना स्पीड से नहीं उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम फेब से लेके जो अप्रैल मई की बात करें, तो स्पाउस वीज़ा इन जो एप्लीकेंट्स के वो आ रहे हैं। स्पाउस वीज़ा में ओनली एक चीज़ ध्यान रख रहे हैं जो IRCC है, कि आपकी जो मैरिज है वो वीज़ा लगने से पहले हुई है कि बाद में हुई है। अगर आपकी मैरिज वीज़ा से पहले हुई है, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको एक बोनाफाइड समझ के आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। और फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम, CA रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो फ्रेंड्स इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपका वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अगर किसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिफ्यूज़ल मार्केट में आ रही है नो डाउट, लेकिन फ्रेंड्स वीज़ा भी बहुत आ रहा है। अगर बल्क में फाइल्स लगेंगी तो रिफ्यूज़ल भी बल्क में आएंगी। थिंग इज दैट कि आपकी फाइल कैसी है ये मैटर करती है। अगर आपका वीज़ा आ गया तो आपके लिए ट्रेंड पॉजिटिव ही है। सो केयरफुली अपना जो एजेंट है वो चूज़ करें। आफ्टर वीज़ा पेमेंट जो अगर आप करना चाहते हैं, तो कॉलेज में वर्क परमिट होना जरूरी है, पाथवे प्रोग्राम होना जरूरी है, तो ही अपना जो किसी के साथ भी अपना पेमेंट आफ्टर वीज़ा में जो अपना पैकेज करें। सो फ्रेंड्स, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस। किसी तरह के भी आपको हेल्प चाहिए, आप नीचे दिए नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना टाइम देने के लिए फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट, थैंक यू, धन्यवाद।